وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم والله بما تعملون عليم. इतना एहतराम तुम्हारी प्राइवेसी का कि बाज औकात तुम अपने घर में इस हालत में होते हो कि तुम अपने करीब तरीन अजीज के बारे में भी ये नहीं चाहते कि इस वक्त वो हमारे घर में आए, तो कह दिया करो कि पलट जाओ, और जिसको ये कहा जाए कि पलट जाओ उसे पलट जाना चाहिए। इसलिए कि बाज औकात तो इंसान अपने घर में झगड़ रहा होता है, कोई सलाह मशवरा कर रहा होता है, और किसी का भी आना उस वक्त इंसान को पसंद नहीं होता। देखें ये दीन है, ये इतना मुकम्मल दीन है कि आपको पूरी तालीम दे और फिर गुंजाइश भी देता है। इसलिए कि ये अननेचुरल दीन नहीं है, आगे गुंजाइश दी है। लैसा अलैकुम जुनाहुन अन तदखुलू बुयूतन गैर मस्कूनतिन फीहा मताउन लकुम वल्लाहु यालमु मा तुबदून व मा तक्तुमून। हाँ, अलबत्ता वो चार दीवारियां जो किसी की रहायशगाह नहीं है, वो किसी का घर नहीं है, अस्पताल है, मुसाफर खाना है, कोई दफ्तर है, वहां तुम बगैर इजाजत जाओ। लेकिन यहां क्या होता है, दफ्तरों में तो दरबान बैठे हुए होते हैं, वहां तो इजाजत मिलती है। यानी जहां अल्लाह ने बगैर इजाजत जाने की इजाजत दी है वहां तो इजाजत मिलती है। चार टके का थानेदार है और सारा सारा दिन लोग बाहर खड़े रहते हैं, किसी को अंदर जाने की इजाजत नहीं है। आप पढ़े लिखे लोग कहेंगे जी दफ्तर का तो डेकोरम ही नहीं रहता। अगर बगैर इजाजत के लोगों को आने दिया जाए तो दफ्तर कैसे चले? अच्छा जी, तुम्हारा दफ्तर तो नहीं चलता, हजरत उमर के गवर्नर का दफ्तर चल जाता। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने बाकायदा ये ऐलान किया था कि कोई किसी सूबे का गवर्नर अपने घर और दफ्तर के सामने कोई संतरी और कोई दरबार ना बैठाए, जिसका जी चाहे। लेकिन हमारे छोटे छोटे दफ्तर भी नहीं चलते। ये इस वजह से नहीं चलते कि हमने अल्लाह के दीन को छोड़कर पूरे माशरे को मुसीबत का शिकार कर दिया, मुसीबत का शिकार कर दिया। और अल्लाह जिन घरों में, जिन चार दीवारियों में बगैर इजाजत जाने की इजाजत देता है, उनको तो हमने ताले लगा दिए, वहां तो किसी को जाने नहीं देते। और जिन घरों का एहतराम मुकरर किया है, उन घरों में हमने जो जुल्म ढाया है, जो जुल्म ढाया है कि हर घर को भी हुर्मत कर दिया। अब पर्दे की आयतें सुने, मैंने आपसे अर्ज किया था कि पर्दे की आयतों में पहली आयत में अल्लाह ने मर्दों को पर्दे का हुक्म दिया है, फिर औरतों। अब सुन लो, وَقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ। اے نبی، مومن مردوں کو کہیں سن لے جی، اور کسی اور کو بھی سنا دینا، خدا کے بندو ان باتوں کو پھیلاؤ، عام کرو، आम करो, लोग देखो बेयाई किस तरह फैला रहे हैं। तुम अल्लाह की बातों को फैलाओ, अल्लाह के दीन का अबलाग करो, ये बात भी लोगों तक पहुंचा देना कि अल्लाह फरमाता है ए नबी, मोमन मर्दों से कहिए यगुस्सू मिन अबसारहिम, अपनी निगाहों को बचा के रखो और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करो। कहते हैं हमें पर्दा समझ नहीं आता, किसको नहीं समझ आया? कोई मुझे उठकर ये कहे कि अल्लाह ने ये जो हुक्म दिया है कि अपनी निगाहों को बचाओ और अपनी शर्मगाह की हिफाजत करो, कोई कहे कि मुझे समझ नहीं? हर कोई समझता है, हर कोई जानता है कि अल्लाह ने क्या कहा है कि ऐ मोमिनों अपनी निगाहों को बचाओ, अपनी निगाह का इस्तेमाल ना तो किसी गैर महरम औरत पर करो और सोच मंजर पर। ये पर्दे का हुक्म नहीं है तो क्या? और मर्दों को पहले दिया गया है।
और इसमें बड़ी एक लतीफ बात है अगर आप याद रखें कि पहले ये कहा कि अपनी नगाह को बचाओ, फिर कहा कि शर्मगाह की हिफाजत करो, इसलिए कि नगाह नहीं बचेगी तो शर्मगाह भी नहीं। इसलिए कि बुराई और बदकारी का पहला दरवाजा तो बदनजरी है, और इसीलिए शैतान बदनजरी को आम करता है कि जब बदनजरी आम हो जाएगी तो बद किरदारी भी आम। इसलिए पहले नगाह की बात की, फिर शर्मगाह की बात। ऐ नबी मोमन मर्दों को कहो कि अपनी नगाहें बचा के रखो और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत। अगर वक्त होता तो मजीद मसायलों से मैं आपको समझाता। और फिर कहा कि उसकी सुनते हो, उसकी सुनते हो, वो तकरीर कर रहा है, वो तजिया कर रहा है, वो बहस कर रहा है, किसी की सुनने की कोई जरूरत नहीं है। अल्लाह ये कहता है कि ज़ालिका अज़का लहुम, यही हया इनके लिए बेहतर। और फिर अगले अल्फाज तो सुनने से लिखने के काबिल है। सुने, इन्नल्लाहा खबीरुम बिमा यसनाउन, इन मर्दों को हमारी तरफ से ये बता दो कि ये जो कुछ करते हैं अल्लाह को उसकी खबर है। ये यहां क्यों कहा? कमाल है कुरान की, कुरान का अबलाग, अल्लाह इसका कोई जवाब ही नहीं। ये यहां क्यों कहा? इसलिए कि इंसानों को जितना भी बेहया कर दिया जाए, जितना भी नंगा कर दिया जाए, जितना भी इनकी नगाहों को खराब कर दिया जाए, फिर भी क्योंकि बद अमली और बद किरदारी ऐसी चीज नहीं है कि लोगों के सामने की जाए, इसलिए जब भी कोई इंसान बुरा अमल करेगा तो दूसरों से छुपे। अल्लाह फरमाता है कि मां से तो छुप जाओगे, बाप से भी छुप जाओगे, बहन से भी छुप जाओगे, मोहल्ले वालों से भी छुप जाओगे, अल्लाह से कैसे छुप? लोगों तुम अल्लाह से नहीं छुप सकते। तुम्हारी नगाह की चोरी को अल्लाह जानता है, तुम्हारे आजाद की चोरी को अल्लाह जानता है, तुम जिस गार और जिस खो के अंदर गुनाह करोगे अल्लाह जानता है। होश करो। इसके बाद फिर अगली आयत जो है उसमें अल्लाह ने खवातीन से कहा, ये खवातीन बैठी है ना, कहा जाता है कि ये जिद्दी होती है, ये कहा जाता है, लेकिन मैं इन खवातीन से कहता हूं कि अल्लाह ने तुम्हारी हुरमत को कायम किया, तुम्हारी इज्जत को कायम किया, तुम अपने खावंद से जिद कर सकती हो, करो, भाई से भी जिद कर लो, बाप से भी जिद कर लो, बेटे से भी जिद कर लो, लेकिन अल्लाह से जिद ना करना, तबाह कर दी जाओ। अल्लाह के हुक्म के सामने सरे तस्लीम खम कर, अल्लाह से जिद ना करो। अल्लाह तुम्हें हुक्म देता है, कोई मौलवी नहीं देता, कोई प्रोफेसर नहीं कहता, अल्लाह कहता है, अल्लाह की बात को सुनो। इल्म जिंदगी है।